Mathematical operations with money are very easy to learn. People continue to use these in their day-to-day lives while shopping, paying bills, budgeting, etc. Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. आज का टॉपिक है addition and subtraction of money. Let's start the video. पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। एडिशन ऑफ मनी इज एज सेम एज एडिंग नंबर्स एक्सेप्ट दैट वी प्लेस ए डॉट टू डिफरेंशिएट रुपीज एंड पैसे। मतलब जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही मनी को भी हम ऐड करेंगे, पर रुपीज और पैसे को एक डॉट के जरिए अलग दिखाना है। एडिशन ऑफ मनी कैन बी डन बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसे। लुक एट दिस एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड क्लियरली। ऐड 11 रुपीज 20 पैसे एंड 2 रुपीज 35 पैसे। 11 रुपीज 20 पैसे पैसे में कन्वर्ट करने से 1120 पैसे होगा। 2 रुपीज 35 पैसे उसको पैसे में कन्वर्ट करने से 235 पैसे होगा। दोनों को ऐड करने से 1355 पैसे होगा, इक्वल 13 रुपीज एंड 55 पैसे। एडिशन ऑफ मनी मे बी डन बाय यूजिंग विदाउट कन्वर्सन मेथड। हियर इज एन एग्जांपल फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ऐड 10 रुपीज 20 पैसे एंड 30 रुपीज 25 पैसे। टू सॉल्व दिस वी हैव टू गो थ्रू सम वर्किंग स्टेप्स। स्टेप 1, अरेंज रुपीज एंड पैसे इन कॉलम फॉर्म। स्टेप नंबर 2, ऐड द नंबर्स इन द पैसे कॉलम, दैट इज 20 प्लस 25 इक्वल 45। स्टेप 3, ऐड द नंबर्स इन रुपीज कॉलम, दैट मीन्स 10 प्लस 30 इक्वल 40। एट लास्ट वी गेट 40 रुपीज एंड 45 पैसे। एग्जाम्पल 2, ऐड 82 रुपीज 75 पैसे एंड 24 रुपीज 40 पैसे। नेक्स्ट लेट्स फॉलो द वर्किंग स्टेप्स टू सॉल्व इट। स्टेप नंबर 1, अरेंज रुपीज एंड पैसे इन कॉलम फॉर्म। सेकेंड, एडिंग पैसे कॉलम, सो 75 पैसे प्लस 40 पैसे इक्वल हाउ मच पैसे, 115 पैसे। तो 115 पैसे इज इक्वल 1 रुपीज एंड 15 पैसे, सो वी हैव टू राइट 15 पैसे इन द पैसे कॉलम एंड कैरिंग 1 रुपीज एंड राइट इट इन द रुपीज कॉलम। अंडरस्टैंड? स्टेप नंबर 3, एडिंग रुपीज कॉलम, दैट मीन्स 82 प्लस 24 प्लस 1 इक्वल 107, सो at last we get 107 rupees and 15 पैसे। मैं यहाँ पर मनी का कुछ एडिशन दी हूँ, आप लोग चाहो तो अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हो घर में। वी also subtract मनी इन द सेम प्रोसेस as addition। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी बाई यूजिंग कन्वर्सन मेथड, वी कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इन टू पैसे एंड देन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर अमाउंट ऑफ पैसे फ्रॉम ग्रेटर अमाउंट। द ऑब्टेन्ड नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड एज ऑर्डिनरी नंबर्स एंड इफ रिक्वायर्ड फाइनली वी पुट ए डॉट आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल। सब्ट्रैक्ट 34 रुपीज 5 पैसे फ्रॉम 58 रुपीज 49 पैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट बोथ द नंबर्स इनटू पैसे फॉर्म, दैट मीन्स 58 रुपीज 49 पैसे इज इक्वल 5849 पैसे। नेक्स्ट 34 रुपीज 5 पैसे इज इक्वल 3405 पैसे। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी गेट 2444 पैसे, दैट इज also written as 24 rupees and 44 paise. But here we have to subtract money without conversion.
Let's understand it through another example. Subtract 35 rupees 45 paise from 48 rupees 87 paise. To solve this, we have to go through the following steps. Step number 1. Arrange the rupees and paise in column form. Number 2. Subtract the numbers in the paise column. That means 87 paise subtraction 45 paise is equal 42 paise. Number 3. Subtract the numbers in rupees column. That means 48 rupees subtraction 35 rupees, we get 13 rupees. So we should write 13 rupees in the rupees column and 42 paise in the paise column. At last we get 13 rupees and 42 paise. Let's discuss another example. Subtract 17 rupees 50 paise from 20 rupees. Like others, we have to go through the following steps. Number 1. Arrange the rupees and paise in column form. Number 2. As 50 paise cannot be subtracted from 0 paise, so borrow 1 rupees, that is 100 paise, from rupees column for paise column. Now subtract 50 paise from 100 paise. We get 50 paise. After borrowing rupees 1 from 20 rupees, we are left with 19 rupees. By subtracting 19 rupees and 17 rupees, we get 2 rupees. So we should write 2 rupees in the rupees column and 50 paise in the paise column. At last we get 2 rupees and 50 paise. Now solve this at your home and get result quickly.